ओम गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आए हुए सभी मेहमानों का वंदन नमस्कार। मित्रों, मैं आज उपस्थित हूँ आपसे एक विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तब तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके और प्रेस कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। तो मित्रों, मैंने देखिए मेरे एपिसोड पुराने आप देखें तो एक मैंने बुद्ध आदित्य राजयोग बना था जुलाई में, जब 3 जुलाई से 17 जुलाई के आसपास उस समय, तभी मैंने कुछ राशियों को करोड़पति अरबपति बनाया था और कुछ लोग बने भी उसमें, मुझे कुछ मैसेज भी आए। तो अब मित्रों, ऐसा ही एक योग फिर बन रहा है जिसमें कुछ राशियों के लिए करोड़पति और लखपति और अरबपति बनने का, कुछ राशियां बनेंगी करोड़पति, कुछ बनेंगी अरबपति और कुछ बनेंगी लखपति। लखपति तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अरबपति और करोड़पति बनेंगी कुछ राशियां। तो वो कौन सी राशियां बनेंगी और किस योग में बनेंगी, वो मैं चर्चा करूंगा। चर्चा को ध्यान से सुनिएगा और जिस राशि का नंबर आ जाए वो मुझे सब्सक्राइब करके और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख के जा सकते हैं। तो मित्रों, मेरा चर्चा का विषय मैंने बताया आपको। अब देखिए, 21 अगस्त से, उस समय मैं बताया था मैंने पिछले पुराने एपिसोड में 3 जुलाई से 17 जुलाई को, अब मैं इससे बता रहा हूं 21 अगस्त को बुद्धदेव अपनी कन्या राशि में आ जाएंगे। तो और कब तक रहेंगे कन्या राशि में, वो करीब करीब 26 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी अबाउट 67 डेज समझ लीजिए। तो 21 अगस्त से बुद्धदेव आए अपनी कन्या राशि में, उच्च की राशि है, अच्छा योग बना। और साथ ही साथ देखिए क्या योग बन रहा है, बृहस्पति कहां बैठे हैं, गुरु देव गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। देव गुरु से बुद्ध देव का, युवराज बुद्ध का समसप्तक राजयोग, समसप्तक योग बन रहा है। आमने सामने साथ में घर में एक दूसरे को दिख रहे हैं सप्तम दृष्टि से बृहस्पति और बुध। कब से, 21 अगस्त से। बृहस्पति तो और आगे टाइम तक रहेंगे उसी अपने मीन राशि में, लेकिन बुध देव 26 अक्टूबर को अगली राशि में चले जाएंगे। तो 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक का एक ऐसा योग बना जिसको मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बता रहा हूं। वो तो बुध आदित्य राजयोग बनाया था जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में, अब ये योग बन रहा है बृहस्पति का और बुध का। राजयोग बन रहे हैं, बृहस्पति क्या है, हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं और बुध देव भी बैठे हैं भद्र राजपुरुष महाराज बना करके, आमने सामने देख रहे हैं एक दूसरे को। तो कुछ राशियां मैं बस नाम ही लूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो। कुछ राशियां बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगी, अरबपति करोड़पति बनेंगी इस योग में जो कि बुद्ध का बृहस्पति का आमने सामने का बन रहा है। बृहस्पति बुद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं, बुद्ध बृहस्पति को सपोर्ट कर रहे हैं और राजयोग बना करके। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, बुद्ध कन्या राशि में है और बृहस्पति मीन राशि में है। तो अब देखिए मैं चर्चा करता हूं, कुल 4 राशियां बताऊंगा मैं, वैसे तो और राशियों को लाभ मिलेगा। पिछले बार भी मैंने 4 राशि बताई थी जुलाई में, 3 जुलाई से 17 जुलाई तक 4 राशियां। देखिए जो 4 राशियों को उस समय बना था योग करोड़पति अरबपति, वही योग फिर बन रहा है। और देखिए राशियां भी देखिए कौन सी हैं। पहली राशि मिथुन राशि, तब भी पहली राशि मिथुन राशि आई थी। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि कहाँ है, लग्न में तीसरी राशि, तो बुध कहाँ आ गए, चतुर्थ भाव में, और सामने वाले दशम भाव में कौन है, बृहस्पति।
तो मिथुन राशि के लिए बुध देव सुख स्थान में बैठकर केंद्र भाव में बैठकर और बृहस्पति भी सामने केंद्र भाव में बैठकर दो दो राजयोग बन रहे हैं और समसप्तक योग भी बन रहा है। तो एक दूसरे को कर्म स्थान में देखेंगे, कर्म स्थान में व्यापार होगा तो व्यापार को उच्च शिखर पर ले जाएंगे, नौकरी होगी तो नौकरी में ऊंचा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ दिलाएंगे। बृहस्पति देव गुरु हैं और बृहस्पति बुध की मदद भी करेंगे, जो सुख भाव में बैठे वहां माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और भूमि भवन वाहन बड़े बड़े बंगले गाड़ी सब मिलेंगे। तो मिथुन राशि वालों आपको याद होगा तब भी मैंने कहा था अरबपति राशि है, अब कितने लोग उसमें अरबपति बने या करोड़पति बने, वही मिथुन राशि फिर आ गई। यानी वो जो जो अच्छा है वो अच्छा ही है, जब पहले करोड़पति अरबपति था जुलाई में भी बना था, तो एक बार फिर 21 अगस्त से लेकर के और 26 अक्टूबर तक मिथुन राशि की बल्ले बल्ले हो रही है। मिथुन राशि बुधदेव चौथे भाव में, बृहस्पति गुरु दशम भाव में, आमने सामने देखकर केंद्र में बैठ करके महापुरुष राजयोग बना करके लाभ ही लाभ दे रहे हैं, पैसा ही पैसा दे रहे हैं, संपत्ति संपत्ति दे रहे हैं आपको। अरबपति करोड़पति से अरबपति, लखपति से करोड़पति, जहां जो आदमी जिस स्तर पर है उसके हिसाब से ऊंचा उठ जाएगा, दुगना चौगुना लाभ होगा। तो मिथुन राशि वालों खुश हो जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वाह वाह करते हुए आराम करो, आपके धन्य हैं। आप लखपति हैं तो करोड़पति बनेंगे, करोड़पति हैं तो अरबपति बनेंगे, अपार लाभ मिलेगा आपको। इस टाइम में भी बुध और बृहस्पति दोनों की महाकृपा हो रही है। तो एक राशि तो ये रही मिथुन। अच्छा अब चलता हूं मैं अगली राशि। अगली राशि आई देखिए, ये भी बुध की राशि है दूसरी, तब भी बुध की दूसरी राशि आई थी, कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए भाई ये जो कहाँ बन रहा है, बुध देव बैठे हैं सप्तम भाव में परिवार भाव में, और बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं भाई, बृहस्पति देव बारहवें भाव में, कहाँ सप्तम भाव में। बुध देव कहाँ बैठे हैं कन्या राशि के लिए, लग्न में, लग्न में राशि आई ना कन्या राशि, तो बुध देव लग्न में बैठे, छठा भाव छठी राशि लग्न में आई कन्या राशि के लिए, और सामने आई मीन राशि बारहवां भाव जिसमें बृहस्पति बैठे हैं। तो बुध देव लग्न में बैठे कन्या राशि के लिए, बृहस्पति देव बारहवें भाव में, बृहस्पति देव बारहवीं राशि में, और कहा अपनी मीन राशि में सप्तम भाव में परिवार के भाव में। तो बृहस्पति परिवार पे कृपा कर रहे हैं, परिवार में पति पत्नी के बीच में अथाह प्रेम संबंध, और जो आपके सहयोगी हैं व्यापार के उनसे अच्छा संबंध, डेली वेज से अच्छा संबंध, सब सुख मिल रहा है। और लग्न को देख रहे हैं, लग्न में बुध देव बुध को बुध लग्न की कृपा कर रहे हैं, जातक को निरोग स्वस्थ सुंदर शरीर बढ़िया, और बुध देव बृहस्पति को भी देख रहे हैं जो परिवार को भी अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरी राशि जो कि लखपति करोड़पति वाली है वो भी बुध की राशि है, और जुलाई में भी मैंने बताया था, 3 जुलाई से 17 जुलाई को जो बताया था बुध आदित्य राजयोग में, तब भी ये राशि मिथुन और कन्या ही दोनों को लखपति करोड़पति योग मिला था। तो इस समय फिर दोबारा 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक बुध की दोनों राशियां, मिथुन राशि कन्या राशि करोड़पति अरबपति राशियां हैं। ऐश करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम कीजिए। अब तीसरी राशि जो डबल डबल राजयोग पा रही है और बृहस्पति और बुध का दोनों की कृपा पा रही है, कब से कब तक, 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, वो राशि कौन सी है, धनु राशि। उस समय भी धनु राशि थी वो बृहस्पति की राशि, अब भी धनु राशि को कृपा मिल रही है। धनु राशि के लिए बुधदेव दशम भाव में है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, आमने सामने बिल्कुल धनु राशि में, वो जो कि मिथुन राशि का था उसका उल्टा, यानी वो चौथे में और बार बदल गए दसवें में। दसवें भाव के बुध देव व्यापार को उच्च शिखर पे ले जाएंगे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएंगे। बृहस्पति सुख भाव में बैठ करके अपार सुख, बड़े बड़े बंगली गाड़ियां और माता को सुख माता का आशीर्वाद सब कुछ दिला रहे हैं। तो धनु राशि वालों भी, आप बृहस्पति की राशि है, उस समय भी तीसरी राशि धनु राशि थी भाई, तो जुलाई में भी मैंने बताया था वही राशियां आ रही हैं,
मीन सॉरी मिथुन और मिथुन के बाद कन्या और कन्या के बाद धनु और अगली राशि मेरे मुंह से पहले निकल गया वो है मीन। मीन राशि चौथी राशि है जो करोड़पति अरबपति बन रही है। मीन राशि के लिए लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं और बुधदेव परिवार भाव में बैठे हैं सामने, यानी चारों घर कौन से केंद्र के घर। वैसे तो आठ घर अच्छे होते हैं, वो भी चार राशियां और बाकी बची हैं उनको मैंने चर्चा करूंगा। इस समय टॉप पे ये केंद्र वाली राशियां हैं जो दो दो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं बृहस्पति के बुध के, और बुध बृहस्पति आमने सामने बैठ करके केंद्र में महाबली बृहस्पति महा राजकुमार बुध। मीन राशि के लिए भी बाद में राशि के मीन कन्या यानी लग्न में बैठे हुए बृहस्पति मीन राशि में और सप्तम भाव में बैठे हुए बुध कन्या राशि में आमने सामने सम सप्तक योग बना के बैठे हैं और अपार धन अपार सुख व्यापार में सुख लग्न को बलवान शरीर को स्वस्थ निरोग सुंदर सब कुछ दे रहे हैं। तो इस समय भी 21 अगस्त से बुध की कृपा पाने वाली और बृहस्पति का सहयोग मिल रहा है डबल डबल राजयोग वाली चार राशियां जो मैंने पहले भी बताई थी जुलाई में वही चारों राशियां मिथुन कन्या धनु और मीन यही चार राशियां लखपति से करोड़पति करोड़पति से अरबपति बनेगी। तो बल्ले बल्ले है चारों लोग राशि वाले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम करो। अब मैं विराम दूंगा तो मित्रों नमस्कार।